रतलाम जिला चिकित्सालय में आज एक बार फिर मृत व्यक्ति की आत्मा को ले जाने की घटना सामने आई है। पेटलावत के सारंग के पास एक गांव के कुछ लोग आज सुबह रतलाम जिला चिकित्सालय पहुंचे। चिकित्सालय के मेल मेडिकल वार्ड में पहुंचकर इन लोगों ने पूजा अर्चना की और अपने परिवार के 35 साल पहले इलाज के दौरान हॉस्पिटल में हुई मौत के बाद आज उनकी आत्मा को लेने आए थे। जिला चिकित्सालय के आरएमओ का कहना है कि यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने से इस तरह की पूजा पाठ करने आदिवासी समाज के लोग आते रहते हैं। यह परिवार भी 35 साल पूर्व इलाज के दौरान मृत हुए अपने परिजन की आत्मा को लेने आए थे। हम लोग इन लोगों को रोकते हैं तो ये उनकी धार्मिक आस्था में हस्तक्षेप की बात कहते हैं। यह आदिवासी बाहुल्य इलाका है, आसपास के कई लोग जिनके परिजन यहाँ उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनकी परंपराओं को वो निर्वाण करते हुए यहाँ से ऐसा कहते हैं कि उनकी आत्मा यहीं रह गई, हम उनको लेके जा रहे हैं। उनको बार बार समझाने पर भी कि इस प्रकार का कुछ नहीं होता है, आपका भ्रम है, फिर भी वो नहीं मानते हैं और ज़बरदस्ती इस तरह के यहाँ से पूजा पाठ करके ले जाते हैं। आज भी इसी क्रम में मेल वार्ड्स के यहाँ से एक परिवार आया और मना समझाने के बावजूद भी वो अपनी मर्जी से अपने परिजनों की आत्मा कहकर यहाँ पूजा पाठ करके चले गए। कौन थे, कब तक पता चला है कैसे? ये पेटलावत के पास सारंगी गांव के आसपास के लोग हैं जो आए। 35 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी परिजन की, पर उनकी परंपराओं को वो निर्वाहन करते हुए वो यहाँ आके 35 साल पूर्व की आत्मा को ले जा रहे हैं ऐसा कह के अपनी पूजा पाठ करके लेके गए हैं। मना करने पर भी नहीं मानते हैं कि ये गलत है, इस तरह की इस तरह से नहीं होता है, लेकिन उन्होंने उनके द्वारा कहा गया कि भाई आपकी मान्यता अलग है, हमारी मान्यता के हिसाब से हमारी धार्मिक आस्था को आप आघात ना पहुंचाएं, इसलिए हमने उनको कुछ नहीं कहा। सैलाना क्षेत्र में लोगों को डरा धमका कर अवैध वसूली व लूट करने वाले दो बदमाशों के खिलाफ सैलाना पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल भेजने के पहले दोनों बदमाशों को पुलिस ने सैलाना में पैदल घुमाकर जुलूस निकाला। इस दौरान बदमाश बोल रहे थे, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। दोनों बदमाश संदीप जाट व उसके साथी हर्ष उर्फ हर्षवर्धन गुर्जर के द्वारा आमजन मानस व फुटकर व्यापारियों को डरा धमका कर अवैध वसूली व गुंडागर्दी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। आरोपी गणों द्वारा 17 जनवरी 2024 को भी लूट व चाकूबाजी की घटना की है। आरोपी संदीप पिता बाबूलाल जाट उम्र 28 साल व हर्ष उर्फ हर्षवर्धन पिता मांगीलाल गुर्जर उम्र 18 साल निवासी यान सकरावदा के खिलाफ कोई सभ्य नागरिक उसके भय के कारण सूचना नहीं कर पाते हैं, यहां तक कि इसके विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने से भी डरते हैं। इसके आतंक से क्षेत्र की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी। पुलिस अधीक्षक रतलाम के प्रतिवेदन पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के द्वारा आज राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निरोध आदेश जारी किया, जिसमें दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभी आपको विदित होगा कि 3 दिन पहले हमारे थाने का एक लिस्टेड गुंडा है संदीप जाट और उसका एक साथी, वो भी काफ़ी बदमाश है, हर्ष गुर्जर, उनके खिलाफ में लूट और चाकू मारने की एक मामला दर्ज हुआ था। चूँकि ये दोनों हमारे यहाँ के काफ़ी पुराने बदमाश है और इनके खिलाफ में जो संदीप जाट है उसके खिलाफ में 2 बलात्कार के मामले पंजीबद्ध है, जिनमें उसको सजाएं भी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त तो उसके खिलाफ एक मर्डर का मामला है, 307 के 2 मामले हैं, गुंडागर्दी अवैध वसूली के मामले हैं, हर्ष गुर्जर के खिलाफ भी अवैध वसूली मारापीटी के कई मामले हैं। ये चूँकि इतने ज़्यादा गंभीर अपराध इनके खिलाफ पंजीबद्ध है और ये समाज में बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था इनने, समाज के लोग इनसे इतना डरते थे कि इनके खिलाफ में रिपोर्ट करने से बात करने से भी घबराते थे। तो इसी चीज़ संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रतिवेदन पर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा इनके खिलाफ में रासुका की कार्रवाई की गई है, एनएसए किया गया है। एनएसए की तामिल है तो अभी टीम पंकज राजपूत साहब और मैं बल के रवाना हुए थे, इनको गिरफ्तार किया है राशुका के तहत में और अभी इनको भैरुवर जेल भेजा जा रहा है। इनको कहाँ से गिरफ्तार? बांसवाड़ा रोड पर सूचना प्राप्त हुई थी ये कहीं भागने वाले हैं,
तब बासवा रोड से इनको गिरफ्तार किया है और अभी गिरफ्तार करके क्योंकि हमारे थाने का वाहन खराब था इनको पैदल पैदल ही लेके हम थाने आए। रतलाम जिले के आलोट में भगवा झंडे को उतारने की बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया, जहां एक ओर पूरा देश 22 जनवरी को होने वाली अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव मना रहा है, वहीं आलोट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सालाखेड़ी में नाबालिग बच्चों द्वारा भगवा झंडे उतारने की बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया। घटना की जानकारी लगते ही आलोट थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने पर लाई। आरोपियों के ऊपर धार्मिक भावनाओं को भड़काने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया तो दूसरा पक्ष भी महिलाओं सहित आलोट थाने पर पहुंचा और मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने एक दूसरे पक्ष के ऊपर मारपीट व बलवा तथा एट्रोसिटी एक्ट सहित कई धाराओं में एक दर्जन से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया। आलोट SDOP साबिर अंसारी ने बताया, ये देखिए ये घटना कल शाम की है जिसकी सूचना आज हमको सुबह मिली थी। पूछताछ पर ये पता चला कि आज शाम को सालाखेड़े में कुछ बच्चे, छोटे नाबालिग बच्चे स्कूल से लौटने पर वहाँ पर कुछ झंडे लगे हुए थे जिनको वो शायद नीचे निकल गए थे तो उनको उठा करके वो खेलने लगे थे। खेलने के दौरान झंडे में कुछ टूट फूट या कट फट गए थे वो झंडे, फिर उन्होंने खेलने के बाद वो झंडे वहीं पर रख दिए थे। आज सुबह हमें सूचना मिली कि इसमें फरियादी कुशाल सिंह, इन्होंने ये बताया कि सालाखेड़ी में वहाँ पर कुछ लोग इस तरह के झंडों को जलाया जा रहा है, जिससे पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुंची और फरियादी को थाने पर लेकर गया। उनके कहने अनुसार यहाँ पर FIR भी की गई। उसके पश्चात कुछ अन्य दल के लोग आए और सालाखेड़ी में ये कुछ व्यक्तियों के साथ वहाँ पर उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दी। पुलिस मौके पर थी, बीच बचाव किया और फिर पुलिस उनको यहाँ पर लेकर गई। दोनों पक्षों को सुना गया और दोनों पक्षों के विरुद्ध इसमें अपराध दर्ज किया गया है जी, जिसमें इन फरियादी कुशाल सिंह का ये कहना था कि झंडे के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। उसमें 6 आरोपी हैं, इनके खिलाफ 294 और 295A जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली धारा है उसमें FIR किया गया है। फिर जो सामने वाला पक्ष जिन्होंने मारपीट की है उनके खिलाफ मारपीट की और बलवा के, क्योंकि इसमें आरोपी अधिक हैं इसलिए 147 एंड 149 और प्लस एट्रोसिटी एक्ट के अंदर भी उसमें कायम की गई है। इसमें लगभग 15 से 20 लोग वहां पर मौके पर उपस्थित थे। नामजद अभी फरियादी ने 15 लोगों के नाम बताए हैं, अभी नामजद 15 लोगों के खिलाफ जी जो इन लोगों ने मारपीट की थी वहाँ पर महिलाएं भी थी तो वो भी उसमें, उन्हें भी चोट लगी है तो वो भी फरियादी है। इसमें नाबालिग बच्चे जो कल खेल रहे थे तो उनको भी लाया, उनसे पूछताछ के लिए उनको लाया गया है पर FIR में जो उनके नाम नहीं है। दोनों पक्ष से आरोपी बने जी हाँ, दोनों पक्ष में इसमें ये नोटिस वाला अपराध है तो अभी राउंड अप नहीं किया गया। बजरंग दल के पूर्व कार्यकर्ता पुलकित शर्मा के जन्मदिन पर उनकी स्मृति में बजरंग दल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बजरंग दल द्वारा आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर रक्तदान किया। शिविर में अतिथि के रूप में युवा समाज सेवी गौरव जाट मौजूद रहे। शिविर में करीब 35 यूनिट से अधिक रक्तदान हुआ। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ, 25-30 हज़ार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इश्यूज, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हज़ार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर MP बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी नहीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज।
चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया। क्या है, क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज, 21 कोठारी मार्केट, 2 बत्ती रतलाम। कॉन्टेक्ट नंबर 07412356268 6263 7918 51। मध्य प्रदेश के MSME मंत्री चैतन्य काश्यप के मुख्य अतिथि में आज एक जागरूकता कार्यशाला रतलाम में संपन्न हुई। केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग कार्यालय इंदौर द्वारा प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप की अध्यक्षता में एक जागरूकता कार्यशाला रतलाम कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित की गई। पीएम विश्वकर्मा योजना जागरूकता कार्यशाला में विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों तथा पंचायतों के सरपंचों में योजना के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाएगी, अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला में मंत्री चैतन्य काश्यप ने उपस्थित जनों को सूक्ष्म लघु उद्योग के बारे में विस्तार से जानकारी देकर योजना का लाभ उठाने की अपील की। कार्यशाला में योजना के हितग्राही सहित अधिकारी गण मौजूद थे। अब आती है बात सरपंचों के पंजीयन के बाद आती है कि हमें आवेदन लेने हैं, तो आवेदन की संख्या अभी बहुत कम है हमारे पास, और लोन ले सकते हैं और आपका जो भी व्यवसाय है उसको बढ़ाना, तो इसमें इस तरह का है। और इसमें टोटल 13% का ब्याज है, लेकिन आपको सिर्फ 5% का ही ब्याज देना पड़ेगा। 8% जो ब्याज रहेगा वो मिनिस्ट्री, जो हमारी MSME की मिनिस्ट्री है, वो हमारी इसमें ब्याज देगी। सरपंचों का CST के माध्यम से पंजीयन हो गया है। 9 पंचायत में हमारे पास यहाँ पर खादी उद्योग के जगह पर खादी ग्रामोद्योग का विभाग नहीं होने से उद्योग विभाग के द्वारा जो यहाँ का जो MSME विभाग का जो जिला उद्योग केंद्र है उसके द्वारा इस योजना की संपूर्ण जवाबदारी दी गई है।